रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक मुख्यालय में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तहसील जखोली से मुख्य बाजार तक रैली निकाली। क्षेत्र पंचायत जखोली के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता भूपेंद्र भंडारी के नेतृत्व में लगातार जखोली के अलग अलग क्षेत्रों के लोग अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विनम्र आग्रह किया कि अंकिता के हत्यारों को जल्द ही फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। लोगों ने कहा, पहाड़ की स्वाभिमानी बेटियों के साथ अन्याय और हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही दुखद व निंदनीय घटना है। इसी घटना के विरोध स्वरूप आज मेरे नेतृत्व में जखोली ब्लॉक की माताओं ने, जखोली ब्लॉक की बहनों ने, जखोली ब्लॉक की युवा शक्ति ने और जखोली ब्लॉक के सामाजिक संगठनों ने विरोध स्वरूप एक जन चेतना रैली निकाली है। और इस रैली के माध्यम से मैं भारत की जुडिशियली व्यवस्था, और कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जितनी जल्दी हो सके इन दरिंदों को फांसी की सजा मिले।